हम लोग पुलाव बनाना सीखेंगे। पुलाव बनाने के लिए एक हंडी ले लेते हैं। हंडी ले लेने के बाद 8 से 9 चम्मच घी ले लेते हैं। जब घी गर्म हो जाए उसमें तेज पत्ता और दालचीनी, लौंग और इलायची एक साथ थोड़ा फ्राई करने के बाद मैंने लिया है 4.5 ग्लास पानी, 1/2 ग्लास ऑफ रोज वाटर और 1 ग्लास मिल्क, टोटल मिला के 6 ग्लास। उसके ऊपर मैंने लिया है 4 ग्लास चावल। प्लीज ये वीडियो आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप जब ट्राई करेंगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी सी नमक और 7-8 चम्मच चीनी देने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक के रखिए। ये चलते चलते मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही नया वीडियो देखने के लिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी एक बार क्लिक कर दीजिएगा। जब पानी उबल जाए एक बोल में थोड़ी सी रोज वाटर में येलो फूड कलर मिक्स करके उबलता हुआ पानी में डाल देना होगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चावल दे दीजिए। इस चावल को मैंने 1/2 घंटे तक नॉर्मल वाटर में भिगो के रखी थी। पानी से चावल को छांक लीजिए और चावल इस मिश्रण में डाल दीजिए। उसके बाद 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर देने के बाद हल्का सा मिक्स कर लीजिए। उसके ऊपर काजू और किशमिश डाल देना है। फिर से 5 मिनट के लिए ढक के रखिए। उसके बाद ढक्कन खोल के गैस का फ्लेम थोड़ा धीमा करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दो तीन मिनट के बाद एक बार चावल को चेक कर लीजिए खाने लायक नरम हुआ कि नहीं। अप्रोक्स 5 से 7 मिनट के बाद आपका स्वादिष्ट पुलाव इज रेडी फॉर सर्व। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच आपका मूल्यवान टाइम देने के लिए।